इन दिनों एक ऐसा व्यक्ति है जो रातों रात इतना मशहूर हो गया कि उसकी बातें हर जगह होने लगी। बाबा बागेश्वर, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर, बागेश्वर धाम। सत्ताईस साल उम्र का यह व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री या भागेश्वर धाम कह लो, इस व्यक्ति ने महज कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया और न्यूज चैनल को हिला कर रख दिया। आखिर कौन है ये व्यक्ति और आज इसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है और आखिर ये व्यक्ति कैसे इंसानों के माइंड को रीड कर सकता है? लेकिन क्या ये इंसानों को दिमाग को सच में पढ़ भी सकता है या महज ये एक ड्रामा है? आज इसी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और इस वीडियो में हवा में बातें नहीं की जाएगी बल्कि आपको कुछ ऐसे एविडेंस और प्रूफ बताऊंगा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। सबसे पहले तो लोगों के मुताबिक इस बाबा की दो खासियत है। सबसे पहली, ये लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं और दूसरी, ये बाबा भूत भगाता है। इन बाबा की असलियत को जानने के लिए एक जर्नलिस्ट इनके पास गया और जिसके चैनल का नाम था मोजो स्टोरी। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब दो पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतरमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। टीम मौजोस्क से आएगा, टीम मौजोस्क से आएगा, टीम मौजोस्क से आएगा। बाबा ने तीन बार उससे अपने चैनल का नाम पूछा लेकिन फिर भी अपने पर्चे पर चैनल का नाम ही गलत लिख दिया। चैनल का नाम है मोजो स्टोरी और बाबा कह रहे हैं मोजोस्को। तो आखिर जो व्यक्ति दिमाग को पढ़ने में आखिर इतना ज्यादा परफेक्ट हो सकता है, वो इतनी छोटी गलती कैसे कर सकता है? दोस्तों, इन बाबा के बारे में लोगों का ये मानना है कि वहां पर अगर कोई शख्स जाता है तो बाबा उससे पहले कभी मिले नहीं होते और ना ही वो सारे सवाल प्रीप्लान्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यह पूरा का पूरा शो प्रीप्लान्ड है तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बागेश्वर धाम कभी भी इंटरव्यू के दौरान जर्नलिस्ट को अपने पर्सनल सवाल करने का मौका नहीं देते बल्कि उनके आश्रम में ही ये सारी चीजें होती है। लेकिन जब एक जर्नलिस्ट वहां पर पहुंचा तो बागेश्वर की टीम ने उन्हें ये कहा कि हम जो सवाल पूछेंगे वही सवाल को आपने स्टेज पर पूछना। अगर आपको यकीन ना आए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। अच्छा, एक और चीज आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा कि ये जो बाबा जी है ये रैंडमली पब्लिक में से किसी भी एक व्यक्ति को उठा करके ये बोलते हैं कि आप इस पब्लिक में से किसी भी एक रैंडम व्यक्ति को चुन लीजिए और मेरे पास जो पर्चा होगा इसमें उस व्यक्ति का ही नाम लिखा होगा और इसकी सारी परेशानियां लिखी होगी। मोजो स्टोरी की ये जर्नलिस्ट ने भी सेम बात कही बाबा जी से कि मैं यहां पर किसी भी एक व्यक्ति को रैंडमली सिलेक्ट करता हूं और आप उसके बारे में बताइए। लेकिन बाबा जी ने क्लियरली साफ अल्फाज में उसे मना कर दिया और उस जर्नलिस्ट को ही स्टेज पर बुला लिया। पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? तुम्हारे हमने ठेका लो का तुम्हारे नौकरा हम बैठे का हम तुम्हारे नौकरा बैठे का लगाओ अर्जी, सीताराम जपो, बैठो सीताराम जपो, यहाँ खड़े मत हो, सीताराम जपो। अब आप सोचोगे कि बाबा जी ने इसके बारे में भी पढ़ा कुछ बताया होगा, इसका दिमाग पढ़ लिया होगा, लेकिन आप यहाँ पर भी गलत हो। बाबा जी यहाँ पर सिर्फ वही बातों को बता पाए हैं जो इस जर्नलिस्ट ने पहले से उनकी टीम को बता रखी थी। जरा इस पर्चे को गौर से देखिए, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है उसमें और नीचे की तरफ जो दो लाइन लिखी है उसमें काफी फर्क है। ऊपर की बाकी सारी लाइन्स बाबा जी ने पहले से ही लिख रखी थी और जो नीचे की दो लाइन है उन्होंने वहाँ पर स्टेज पर ही लिखी और उस दो लाइन में भी उन्होंने सिर्फ वहाँ पर उस जर्नलिस्ट को सलाह दी कि तुम एक काफी अच्छे आदमी हो और तुम काफी तरक्की करोगे। और इससे पहले भी एक दफा बाबा जी का सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया। जरा इस वीडियो को देखिए। नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है, है। और टी शर्ट होनी चाहिए, नाम नीरज होगा। इस वीडियो में भागेश्वर बाबा किसी नीरज नाम के पीली शर्ट वाले आदमी को बुलाते हैं, लेकिन जब ये आदमी आता है तो किस हिसाब से आपको ये पीली शर्ट दिखाई दे रही है? ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो बाबा जी? लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी बाबा जी के भक्त को इस वीडियो पर यकीन न आए। चलिए अब जरा इस वीडियो को देखते हैं जिसमें क्लियरली बाबा जी इतनी बड़ी भूल करते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। अब जरा इस वीडियो को देखिए।
बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं, और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी, मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है। लेकिन इस वीडियो में ये औरत साफ कहती है कि मेरी शादी पैसे देकर हुई है, जिसका मतलब साफ है कि ये एक अरेंज मैरिज है, इसकी शादी इसके माँ बाप की मर्जी से ही हुई है, लेकिन बाबा जी का सॉफ्टवेयर है कि जो बार बार क्रैश ही हुआ जा रहा है। बाबा जी यहाँ पर बोलते हैं कि तुम दोनों ने लव मैरिज की है और इसलिए आप लोगों का ब्याह टिक नहीं रहा है। घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ, नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। जबकि इस औरत ने साफ साफ कह दिया है कि ये शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई है, पैसे देकर हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जब बाबा जी कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी पसंद से शादी की है तो ये औरत साफ साफ मना करती है, लेकिन बाबा जी बार बार उनकी कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं। आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ, नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। और इसके बाद इस औरत ने बाबा जी को बाहर जाकर काफी ज्यादा बुरा भला कहा, क्योंकि बाबा जी इसका माइंड ही नहीं पढ़ पाए और बदनाम कर दी वो। चलिए अब आपको कुछ लो बजट एक्टर्स की एक्टिंग बताते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें इतनी सारी भीड़ में से बाबा जी पीछे किसी एक शख्स को आगे की तरफ लाते हैं, जबकि वहां पर पहले से ही इतने सारे लोग खड़े थे, लेकिन बाबा जी उन सबको चीरते हैं, उस आदमी को अपने साथ उसके ऊपर से कुदा कर अपने साथ ले जाते हैं। अब इस लो बजट गोविंदा की जरा एक्टिंग को देखिए। घर वालों को किया उतना जितना परेशान किया उतना। लेकिन अभी भी कोई हैरानी की बात नहीं है, चौंकाने वाली बात तब है जब 2022 में बाबा ने इसी शख्स को भीड़ में से चीरता हुआ वापस से स्टेज पर लाया। एक वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला, एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहाँ भी। अरे गुंडा ही है कहते हैं, भागल ले भैया ताए पाँच भाग। वहाँ पर हजारों लोगों की इतनी संख्या होती है, लेकिन बाबा जी को यही एक शख्स दिखाई दे रहा है बार बार। अब जरा इन भाई साहब को भी देख लीजिए और इनके एक्टिंग को भी देख लीजिए। असल में इन अंकल के अंदर जो भूत गुस्सा है ना, वो काफी मॉडर्न जमाने का है, इसीलिए तो वो माइक को उठा करके बातें कर रहा है। मैं चंदू इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं दूंगा, कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं। अच्छा, इन बाबा जी के पास एक सेनापति भी है जो कि लोगों को मार लगाता है, जैसे कि बाबा जी उसे बार बार कहते रहते हैं कि मार लगाई जाए, मार लगाई जाए। उठा उठा फेंका जाए सेनापति, तत्क्षण आदेश है और मार लगाई जाए इसे, और उठा उठा फेंको इसे, और मारो इसे, और मारो। अब इसका गला पकड़ो, गला पकड़ो इसका, गला पकड़ो, जितना परेशान किया उतना करो, गला पकड़ो इसका। इन सारी वीडियोस को देखकर साफ पता चलता है कि ये सेनापति बाबा जी के बोलने के बाद ही मार लगाता है। मतलब बात साफ है कि ये सेनापति बाबा जी के आदेश के बाद ही मार लगाता है, चाहे फिर वो कोई भी इंसान हो। लेकिन अब जरा इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हिंदी नहीं आती। You know speak Hindi? No, no, okay, no problem. और बाबा जी वहाँ पर कह देते हैं कि इसे मार लगाई जाए, लेकिन वो आदमी को कुछ ही नहीं हो रहा था। जैसे कि इन सबको मार पड़ रही थी, वैसे इसे कुछ भी नहीं हो रहा था। या तो सेनापति हिंदी भूल गया, या ये आदमी अपनी स्क्रिप्ट भूल गया। चलो सेनापति फिर से मार लगाओ। और इसी तरह से बिल्कुल एक सेम केस हुआ, और इस लेडीज में भी जिन घुसे हुए थे, तो इस बाबा जी ने यहाँ पर भी कहा कि इन्हें मार लगाई जाए, मार लगाई जाए। मार लगाई जाए।
लेकिन यार नहीं समझ में नहीं आता कि इनका सेनापति जो है इन्हें फॉरेनर लोगों से इतनी क्या तकलीफ है भाई, ये मार क्यों नहीं लगाता है यार। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी रिलीजन को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी भी मजहब के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है एक बाबा जी के बारे में और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए सवाल है जो कि इन बाबा जी की बातों को सच मानते हैं। और इन बाबा जी के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।